हेलो दोस्तों, मैं महेश, मेरे दोस्त सचिन के साथ आप सबका हमारे YouTube चैनल SB+ धमाल में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सबको हमारे वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। इसकी वजह से हमारे 600 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज हर बार की तरह हम कुछ अलग नया अनोखा एक्सपेरिमेंट लाने वाले हैं। हम इसे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं या फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, तो आप इसे अपने घर पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जनरल एक क्वेश्चन है और उसका आंसर भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं आज आपसे क्या पूछने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास तीन बॉटल है, तीनों अलग अलग साइज में कट की गई है। तो इन तीनों का मेजरमेंट मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी आप पानी से भरी हुई बॉटल देख रहे हैं, इसका मेजरमेंट है 800 ml, मतलब इसमें 800 ml पानी बैठता है, इसमें 500 ml पानी बैठता है और इसमें 300 ml पानी बैठता है। 800 ml की बॉटल पूरी तरह से पानी से भर चुकी है। आपको 500 ml और 300 ml इन तीनों का यूज करके सिंपली ये पानी इन दोनों में आधा आधा करके बताना है। मतलब आपको इसमें 400 ml पानी लाना है और इसको 400 ml पानी लाना है। ये तीन ही मेजरमेंट आपके पास है, तो आप कैसे लाएंगे वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस तीनों का ही यूज करके ये बॉटल में पानी जो है 500 और 800 में आधा आधा कैसे करना है। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको अभी इसका आंसर बताने वाला हूँ। जो 800 ml का पानी है वो आपको इसमें 400 ml और इसमें 400 ml कैसे लाना है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये जो 800 ml का पूरा भरा हुआ बॉटल जार है, इसको इसमें 500 ml डालेंगे। अपने पास यही मेजरमेंट, तो हमको इसमें पूरा फुलफिल करना है और इसमें 300 ml डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो 300 ml का अपन ने जार इसमें डाला है तो ये अपन फिर से 800 ml में डालेंगे। डाल दिया, अभी इसमें हो गया 500 ml, इसमें हो गया 300 ml और ये 300 ml का जार ब्लैंक है। उसके बाद ये 500 ml है, इसमें से अपन क्या करेंगे, इसमें ये फिर से फुलफिल कर देंगे। तो इसमें हो गया 300 ml, इसमें हो गया 200 ml और इसमें हो गया 300 ml। मतलब 300, 200 और 300, ये और ये सेम है, ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये 300 वाला जो है ये वापिस इस 300 में डाल देंगे। तो ये 800 ml की बॉटल में अभी पानी का मेजरमेंट हो गया 600 ml, इसमें हो गया 200 ml और ये पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। अभी ये जो 200 ml है अपन ये डालेंगे इस 300 ml की बॉटल में। अभी ये 500 ml का ब्लैंक हो गया, इसमें 600 ml, इसमें 200 ml हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, ये जो 600 ml है इसमें से बराबर 500 ml इसमें डालेंगे, क्योंकि ये मेजरमेंट ही 500 ml का है। तो अपने पास इसमें रह गया 100 ml, इसमें हो गया 500 ml और इसमें हो गया 200 ml। अभी क्या करेंगे, तो 500 में से अगर इसमें अपन इसको पूरा फुलफिल करते हैं तो इसमें से सिर्फ 100 ml इसमें जाएगा, मतलब इसमें बराबर 400 ml का मेजरमेंट बचेगा। तो इसमें मैं इसमें से इसमें 100 ml डाल देता हूँ, तो इसमें बच गया अभी बराबर 400 ml। और ये जो 300 ml है मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, इसमें पहले से ही 100 ml है, अभी मैं इसमें 300 ml डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इन दोनों का मेजरमेंट अभी बराबर 400 ml हो चुका है। तो ये एकदम सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक थी, आपको सिर्फ इन तीन चीजों का यूज करके इसमें 400 ml पानी लाना था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एक सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था जो मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रयोग के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको प्रूफ करके दिखाया। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस ट्रिक के जरिए आप इम्प्रेस कर सकते हैं, अपनी मैथमेटिकल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो हम आपके मनोरंजन के लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल SB+ धमाल में।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।